अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को भारत के लिए रवाना होंगे। 8 सितंबर को भारत के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 9 और 10 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस मंच से गायब होंगे। सवाल है, इतने बड़े मंच पर जब दुनिया के बड़े देश आने वाले हैं, तो चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे? रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से युद्ध और घरेलू वजहों से नहीं आएंगे, लेकिन चीन में ऐसे हालात तो नहीं। फिर शी जिनपिंग ने G20 सम्मेलन से किनारा क्यों किया? क्या शी जिनपिंग अमेरिकी चुनौती से डर गए हैं? क्या बाइडेन की घेराबंदी ने चीन का चैन छीन लिया है? क्या सच में चीन पर हमले की तैयारी में है अमेरिका? अगर अमेरिका चीन के ऊपर हमला करता है तो वो दरअसल डेमोक्रेटिक दुनिया के बिहाफ पे ही करेगा, और अकेले चीन पर कभी भी अमेरिका हमला नहीं करेगा। और अमेरिका अगर हमला करेगा तो भारत चाहे अनचाहे उसके साथ खड़ा होगा, और भारत भी इस कार्रवाई में पूरा भागीदार रहेगा, बराबर का हिस्सेदार रहेगा। अमेरिका के प्लान से चीन घबरा गया है। ड्रैगन चारों ओर से घिर गया है। ताइवान स्टेट में तनातनी के बाद समंदर में मोर्चेबंदी से परेशान हो उठा है। अमेरिका ने चीन की हर चाल की काट तैयार कर ली है और उसके दुश्मनों को मिलाकर समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा। 31 अगस्त 2023, जगह जावा, इंडोनेशिया। चीन की सीमा से सिर्फ 4200 किलोमीटर और साउथ चाइना सी से मात्र 1800 किलोमीटर करीब अमेरिका ने चीन के दुश्मन देशों के खिलाफ युद्ध के लिए प्रैक्टिस किया। इस युद्धाभ्यास में शामिल देशों की पोजीशन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अमेरिका का प्लान क्या है। ये इंडोनेशिया का मुख्य द्वीप जावा है। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, यूके और फ्रांस के साथ साथ अमेरिका ने युद्धाभ्यास किया। इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका ने कैसे चीन को घेर लिया है, युद्ध की स्थिति में निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिका और चाइना की सेनाओं की अगर तुलना की जाए, कहते चीन के पास नेवी के बहुत शिप हो गए, अमेरिका के बराबर शिप हो गए, लेकिन जब क्वालिटी देखी जाए तो फर्क क्वालिटी में है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एक कोऑर्डिनेटेड बैटल, ये सब चीजों में अमेरिका चाइना से बहुत आगे है। इंडोनेशिया के जावा में चीन के दुश्मनों के साथ युद्धाभ्यास के कई मायने हैं। ड्रैगन दक्षिण चीन सागर में दखल के साथ ही इंडोनेशिया के आसपास के इलाकों में अपनी दादागिरी चला रहा था। इंडोनेशिया सिंगापुर जैसे देशों के लिए खतरा बनता जा रहा था। ऐसी स्थिति में ये युद्धाभ्यास चीन की बड़ी चुनौती है, उसके घमंड को चूर करने का प्लान है। मेरा मानना है कि अगर चीन और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है तो चीनी सेना अलग थलग पड़ जाएगी, क्योंकि चीनी सेना के पास में उस तरीके का कोई गठबंधन नहीं है जैसा कि अमेरिका के साथ में। अमेरिका की अगर बात करें और भारत की अगर बात करें तो दोनों के अपने अपने सहयोगी दोस्त मित्र देश हैं। अमेरिकी और इंडोनेशियाई सैनिक 2009 से लाइव फायर ड्रिल आयोजित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर पिछले साल इसमें शामिल हुए थे। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांसीसी सेनाएं इस साल सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास में शामिल हुई, जिसमें कुल 5000 जवान ने अपनी ताकत दिखाई। चीन इस अभ्यास को एक खतरे के रूप में देखता है और अमेरिका पर क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और राजनयिक प्रभाव को कम करने के लिए नाटो के समान एक इंडो पैसिफिक गठबंधन बनाने का आरोप लगाता है।
नाटो की तरह इंडो पैसिफिक गठबंधन से चीन डर रहा है, क्योंकि इसमें कई ऐसे देश हैं जिन्हें चीन पसंद नहीं करता और अपना बड़ा दुश्मन मानता है। जरा इस मैप को देखिए और उन देशों के नाम पर गौर कीजिए जहां की टीमें पिछले दिनों सैन्य अभ्यास में शामिल हुई। भारत, ब्रुनेई, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, मलेशिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और पूर्वी तिमोर ने भी पूर्वी जावा प्रांत के शहर बालुरन में 2 हफ्ते के अभ्यास के लिए अपनी टीम को भेजा। यूएस आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन ने कहा कि अभ्यास में शामिल 19 देश एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एकजुटता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। जकार्ता में अमेरिकी दूतावास से जारी एक बयान में चार्ल्स फ्लिन ने भी कहा, सुपर गरुड़ शील्ड 2023 पिछले साल की जबरदस्त सफलता पर आधारित है। ये संयुक्त बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और समान विचारधारा वाली एकता को प्रदर्शित करता है। इसमें कम से कम 2100 अमेरिकी और 1900 इंडोनेशियाई सेना के जवान हैं, जो जमीन, समंदर और आसमान में अपनी सुरक्षा की बारीकियां सीखेंगे और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को पल भर में धूल चटा देंगे। अगर चाइना अपनी विस्तारवादी नीति बरकरार रखेगा, साउथ चाइना सी को अपनी संपत्ति मानेगा, अड़ोस पड़ोस के छोटे देशों को धमकाता रहेगा, चाहे वो ताइवान हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, जापान हो, तो नेचुरली ये तनाव बढ़ेगा। अमेरिका की अपनी बेसिस हैं, ताइवान के साथ मित्रता है, जापान में उनकी बेसिस है, साउथ कोरिया में बेसिस हैं। गरुड़ शील्ड को कई स्थानों पर आयोजित किया गया था, जिसमें दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी हिस्से में नटुना के आसपास का इलाका भी शामिल था, जो अमेरिका और चीन के बीच विवाद की रेखा भी है। इंडोनेशिया और चीन के बीच आमतौर पर सकारात्मक संबंध है, लेकिन जकार्ता ने दक्षिण चीन सागर में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण के बारे में चिंता व्यक्त की है। बीजिंग की एक तरफा घोषित 9 डैश लाइन के साथ ओवरलैप होता है। इस इलाके में चीनी तटरक्षक जहाजों और मछली पकड़ने वाली बोट की गतिविधियों से जकार्ता परेशान है, और यही वजह है कि इंडोनेशिया की नौसेना को जुलाई 2020 में नातुना के आसपास के पानी में एक बड़ा अभ्यास करने के लिए मजबूर किया। चाइना लगातार अपने सैन्य तैयारी बढ़ा रहा है, चाहे वो रॉकेट रेजिमेंट हो, आर्टिलरी हो, टैंक्स हो, सैटेलाइट हो, कम्युनिकेशन हो, मिसाइल्स हो, और उसका डिफेंस बजट तकरीबन 224-225 बिलियन डॉलर के बीच में। उसके विरोध में अमेरिका का इससे 3 गुना तकरीबन है, 715 बिलियन डॉलर के लगभग डिफेंस बजट है। दुनिया के हर क्षेत्र में अमेरिका ने लड़ाई लड़ी हुई है, मिडिल ईस्ट हो, अफगानिस्तान हो, अब यूक्रेन को सहायता कर रहे हैं, तो उनकी बड़ी हथियार जो है टेस्टेड है हथियार, जबकि चाइना के हथियार इतने टेस्टेड नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए ये देश अमेरिका के साथ मिलकर चीन पर नकेल कसने के लिए तैयार है। बस इंतजार है बाइडन के आदेश का। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति का आदेश आएगा, न सिर्फ साउथ चाइना सी में बल्कि चीन पर ये देश मिलकर हमला करेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन जैसे ही ताइवान पर हमला करेगा, वैसे ही बाइडन ड्रैगन के खिलाफ युद्ध का आदेश दे देंगे। खबर है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है, वो किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है, और बाइडन उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि G20 से पहले चीन ताइवान पर हमला करेगा, और दिल्ली पहुंचने से पहले बाइडन चीन पर अटैक का ऑर्डर दे देंगे। उसके बाद पता चल जाएगा कि चीन में कितनी ताकत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका ने चीन पर हमला कर दिया तो बहुत बर्बादी होगी, उसका असर पूरी दुनिया पर होगा,
लेकिन ड्रैगन बिल्कुल तबाह हो जाएगा।